सारा विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है, हमारा देश भी अछूता नहीं है। अतः आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सारे कर्फ्यू के जो नियम है उसका पालन करें। कोरोना वायरस के खौफ के कारण देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की जानकारी सामने आने के बाद करसोग पुलिस एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय बाजार में उतरी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र कर्फ्यू के दौरान सभी लोगों को दिया गया। मंगलवार को करसोग पुलिस ने स्थानीय बाजार में आने वाले वाहनों के पास चेक किए और वाहन चालकों से बाजार में आने का कारण भी पूछा और सभी से घरों में रहने का आग्रह किया। सर आज कुछ ज्यादा सख्ती है? सख्ती नहीं है, लेकिन अब गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, जिनके पास परमिट नहीं या परमिशन नहीं है उनको देख रहे हैं। अगर कोई रिजॉर्ट, कोई इंश्योरेंस, कोई उसका चलान कर रहे हैं, सख्ती का नहीं। कोई गाड़ियां मिली भी हैं अभी तक? हाँ, कितने चलान हुए आज? 2-3 चलान हुए अभी तो। अच्छा। तो कहीं सीट बेल्ट लगाई थी, कहीं ने विदाउट हेलमेट था, ऐसे जा रहा था, कुछ जरूरी काम से जा रहा था, लेकिन एमबी एक्ट की तो उनको पालना करनी चाहिए थी, उनको पालना नहीं की, उनको पालना करनी चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।